डॉक्टर जाकिर नायक, जिनका शुमार मुसलमानों के अहम प्रीचर्स में से होता है और मुसलमानों के एक अच्छे आलम दीन की हैसियत से उनको जाना जाता है, जो कि अल्लाह ताला का पैगाम पूरी दुनिया में अपने लेक्चर्स के जरिए पहुंचाते हैं और लोगों को दीन हक यानी दीन इस्लाम की तरगीब देते हैं और इस तरफ आने के लिए उनको ऐसे एविडेंस और ऐसे प्रूफ देते हैं जिससे लोगों का दिल माइल हो जाता है और आप ना जाने कितने हिंदुओं और कितने दीगर गैर मुस्लिम मजाहिब के लोगों को मुसलमान कर चुके हैं। और उसकी वाहिद और बुनियादी वजह यह है कि आप जो भी जवाब देते हैं वो लॉजिकल जवाब होता है और फिर भरपूर दलाइल से होता है, इसलिए जो भी आपको सुनता है आपकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता है और दीन हक की जानिब गामजन हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ कि एक शख्स जो कि हिंदू था, उसने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि अल्लाह ताला के वजूद को साइंटिफिकली प्रूफ करें तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा। डॉक्टर साहब ने उसका बहुत शानदार जवाब दिया और ऐसा ईमान अफरोज जवाब दिया कि वो बंदा बिल्कुल दंग रह गया और उसके पास कोई जवाब बाकी न रहा। दोस्तों, उसका क्या जवाब था वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। खवातीनों हजरात, एक हिंदू शख्स जिसका नाम संजय कुमार है, उसने डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल पूछा कि वो अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली साबित कर दें। डॉक्टर जाकिर नायक ने उस शख्स से पूछा कि क्या तुम अल्लाह पे यकीन रखते हो? उसने कहा, मैं तो रखता हूँ, लेकिन मेरा एक पड़ोसी है जो कि ब्राह्मण है और वो बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं रखता और उसने मुझे ये सवाल बताया है और कहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक से ये सवाल पूछ कर आओ कि अल्लाह ताला को साइंटिफिकली प्रूफ करके दिखाए। दोस्तों, शायद वो समझ रहा था कि डॉक्टर जाकिर नायक अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूफ करने में नाकाम रहेंगे, लेकिन ये उसकी भूल साबित हुई और डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार अंदाज में उस आदमी के सवाल का जवाब दिया और अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया। दोस्तों, उस शख्स के सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं उस सवाल का जवाब उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला पे ईमान रखते हैं और उन लोगों को भी दूंगा जो अल्लाह ताला के वजूद पे मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं रखते। साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो सबसे पहले तो उस शख्स को सलाम पेश करेंगे और उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि उस शख्स ने एक बात जो उसके जहन में थी और वो उसे समझ नहीं पा रहा था तो वो उसने पूछी है, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे लोगों का मसला ये है कि अगर बाप क्रिश्चियन है तो बेटा भी क्रिश्चियन होता है और अगर बाप हिंदू है तो बेटा भी हिंदू होता है और लोग अपने मजाहिब और अकायद से बाहर सोचते ही नहीं है। इसलिए मैं उस शख्स को सलाम इसलिए पेश करूंगा कि उस शख्स ने इस्लाम में अपना इंटरेस्ट शो किया है और यकीनी तौर पर वह इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा है और साथ ही इस्लाम के बारे में भी जानना चाह रहा है, जो कि बहुत खुश आइन बात है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको दीन हक और हिदायत की राह पर गामजन करे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक का कहना था कि कुरान और अल्लाह ताला का दीन साइंस से बहुत बुलंद है, लेकिन अगर किसी शख्स का मियार साइंस है तो चलो हम उसके मियार के मुताबिक उसको जवाब देंगे और उसके मियार के मुताबिक अल्लाह ताला का वजूद और कुरान मजीद और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद और उनकी तालीमात को प्रूफ करेंगे, ताकि उनके दिल में इस बात से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं वो तमाम हल हो जाएं और उसको बाकायदा जवाब मिल जाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं एक साइंसदान से ये सवाल पूछूंगा कि आपकी नज़र में ये दुनिया कैसे वजूद में आई, तो यकीनी तौर पर वह साइंसदान यही कहेगा कि दुनिया बिग बैंग थ्योरी की वजह से वजूद में आई, यानी कि एक गोला था और उसके अंदर धमाका हुआ, उसके बाद वो मुख्तलिफ गैलेक्सीज में तकसीम हुआ और मुख्तलिफ सियारों में तकसीम हो गया, कुछ सियारों में जिंदगी बहाल हो गई और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने जन्म लिया, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एवॉल्व किया, फिर मखलूक बंदरों के फॉर्म में आई और वहां से एवॉल्व करते हुए लोग इंसान बन गए और आज इंसानियत वहीं पर खड़ी है और इंसानियत की तख्लीक इस तरह हो गई और दुनिया में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं। उन्होंने कहा कि मैं साइंसदान से पूछूंगा कि तुम्हें इस सब के बारे में कब इल्म हुआ, तो यकीनी तौर पर वो साइंसदान कहेगा कि मुझे यही कोई 40-50 साल कबल इल्म हो चुका है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं उस शख्स से ये कहूंगा कि तुम्हें तो 40 साल पहले इस बात का इल्म हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला के कुरान करीम में ये बात 1400 साल पहले की दर्ज शुदा है, तो तुम इस बात को कैसे झुटला सकते हो। दोस्तों, इसी जमन में डॉक्टर जाकिर नायक ने कुरान मजीद की आयत भी पेश की, जिसका मफहूम ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन लोगों से जो यकीन नहीं रखते उनसे पूछिए कि क्या आप नहीं जानते कि ये दुनिया एक धमाके की वजह से वजूद में आई है, जिसके बाद ये मुख्तलिफ कहकशाओं में तकसीम हो गई और इस तरह इंसान का वजूद सामने आया। तो जो लोग बिग बैंग थ्योरी की मिसाल देते हैं, जिनकी रिसर्च सिर्फ 100 या 150 साल पुरानी है, यही बात कुरान मजीद में 1400 साल कबल लिख दी गई है।
फिर इसके बाद ये भी गुमान किया जा सकता है कि वो साइंसदान ये कहे कि ये तो तुक्का था जो कि सही साबित हो गया, तो इस पर तो हम यकीन नहीं कर सकते। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो जमीन है इसकी शक्ल क्या है, तो वो शख्स कहेगा कि पहले तो मैं ये समझता था कि इसकी शेप बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन अब चूंकि साइंस आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रही है तो हमें मालूम हुआ है कि ये जो जमीन है ये सर्कल शेप में है। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हें इस बारे में कब इल्म हुआ, तो वो साइंसदान शायद यही कहेगा कि आज से तकरीबन 300 साल पहले मुझे इस बात का इल्म हुआ है। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि फिर मैं उस शख्स से कहूंगा कि तुम्हें जिस बात का इल्म 300 साल कबल हुआ, यही बात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले दर्ज कर दी है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने कुरान मजीद की एक और आयत तिलावत फरमाई जिसका मफहूम यह है कि हमने जमीन को बेदी बनाया। नाजरीन, बेदी शेप से मुराद ओवल शेप या जिसे अंडे की शेप कहते हैं, और आज साइंस इस तहकीक पर पहुंची और साइंस की इस तहकीक के बाद ये नतीजा हासिल हुआ है कि जमीन मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है बल्कि जमीन अंडे की शेप में है जिसे ओवल शेप कहते हैं, और ये बात कुरान मजीद में 1400 साल कबल दर्ज कर दी गई थी और अल्लाह ताला ने ये बात साफ तौर पर बता दी थी। और इस बात का इल्म हम मुसलमानों को 1400 साल कबल से है, जबकि ये अंग्रेज और साइंसदान इस बात का इल्म यही कोई 250 या 300 साल पहले से जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि फिर मैं उस शख्स से ये सवाल पूछूंगा कि अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो चांद की रोशनी है ये चांद की अपनी है या इसको कोई और चीज रोशन कर रही है, तो साइंसदान यकीनन कहेगा कि पहले हम ये समझते थे कि ये रोशनी चांद की अपनी है, लेकिन जब हमने तहकीक की और रिसर्च की तो हमें मालूम हुआ कि चांद की रोशनी अपनी नहीं है बल्कि सूरज इसको रोशनी देता है, और सूरज की रोशनी जब उस पर ट्रांसमिट होती है तो चांद चमकने लगता है, यानी कि चांद रोशन है तो सिर्फ और सिर्फ सूरज की वजह से। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि कुरान मजीद की सूरह फुरकान में ये आयत दर्ज है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया उसकी खुद की रोशनी है और चांद की अपनी रोशनी नहीं है, और जो चांद की रोशनी है वो उसने किसी चीज से हासिल की हुई है। इसी तरह अल्लाह ताला का वजूद साइंटिफिकली एक मरतबा फिर साबित हो जाएगा। वो शख्स अगर अभी भी नहीं मानता तो मैं उस शख्स से एक और सवाल पूछूंगा। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं उस शख्स से पूछूंगा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि आसमान को हमने एक हिफाजती छत के तौर पर बनाया है, तो मैं उसे पूछूंगा कि तुम मुझे ये बताओ कि आज साइंस इस बारे में क्या कहती है, तो वो यकीनी तौर पर यही कहेगा कि साइंस के मुताबिक आसमान के अंदर ओजोन लेयर है जो कि आपको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है, और अगर आसमान ना होता तो इंसान अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लगने की वजह से मर जाते और दुनिया में कोई वजूद ही नहीं होता। तो फिर मैं उस बंदे से सवाल पूछूंगा कि तुम्हें ये बात कब मालूम हुई। इस सवाल पर फिर वो शख्स यही कहेगा कि यही कोई 300 या 400 साल कबल, तो मैं इसे कहूंगा कि यही बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 1400 साल कबल लिख दी थी, तो तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं करते। उसके बाद वो शख्स खामोश हो जाएगा और कहेगा कि शायद ये भी कोई और तुक्का है, इसलिए आप आगे बढ़िए। तो आगे बढ़कर मैं उससे एक और सवाल पूछूंगा। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मैं उससे ये पूछूंगा कि कुरान मजीद में 1000 से ज्यादा आयतें ऐसी हैं जो कि साइंस से रिलेटेड हैं और साइंस की इजादात के मुताबिक हैं, तो तुम मुझे ये बताओ कि ये आयतें कौन लिख सकता है। तो उस शख्स का एक ही जवाब होगा कि ये यकीनी तौर पर वही लिख सकता है जो इस दुनिया का और इस कायनात का खालिक और मालिक है। तो मैं उससे कहूंगा कि फिर तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि अल्लाह ताला ही इस दुनिया का खालिक भी है, मालिक भी है, परवरदगार भी है, और अल्लाह ताला ही है जो इस दुनिया को चला रहा है, और अल्लाह ताला ही है जो इस दुनिया का सारा कंट्रोल और सारा कमान अपने हाथ में संभाले हुए है। और दोस्तों, मजीद ये कि कुरान मजीद की कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसको साइंसदान आज तक ठुकरा सके या जिसको वो झुठला सके, क्योंकि कुरान मजीद की 6000 आयात में से 1000 आयात तो सिर्फ और सिर्फ साइंस पर हैं, लेकिन साइंसदानों में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वो कुरान मजीद की किसी एक आयत को भी झुठलाने की हिम्मत कर सके, क्योंकि वो इसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। दोस्तों, ये बात अलग है कि दुनिया इस बात पर बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि वो किसी तरह से अल्लाह ताला के कलाम को झुठलाए, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है, और अल्लाह ताला कैसे इन लोगों को इस मकसद में कामयाब होने दे सकता है, इसलिए इनको हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ता है। और राह फरार के तौर पर वो मुसलमानों पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाते हैं और कहते हैं कि शायद इनके पास कोई और ऐसी बात है जिसकी वजह से इनकी बातें सही साबित होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया को राह रास्त पर लेकर आए और उनको हिदायत का रास्ता दिखाए और उनको दीन हक दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो में अल्लाह ताला के खालिक,
मालिक और उस सच्ची जात के होने के सबूत साइंटिफिकली भी मिल गए होंगे, और अब अगर कोई आपसे ऐसा सवाल करे तो आप बआसानी उसके सवाल का जवाब देने के अहल हो चुके होंगे और आपको मालूम होगा कि कैसे उस शख्स को जवाब देना है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक ने उस शख्स को जवाब देकर लाजवाब कर दिया था। और यकीनी तौर पर इसके बाद उस शख्स के जहन में इस तरह का कोई सवाल नहीं आएगा। और दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि ये सुनकर उस शख्स ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, जो कि डॉक्टर जाकिर नायक का पेशा है कि बहुत सारे लोग उनकी शख्सियत और उनकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करें, ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि अल्लाह के मानने वाले आज भी जिंदा हैं और अल्लाह ताला पर हमारा ईमान कवी और मजबूत है और हम अल्लाह ताला पर ईमान मरते दम तक रखेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मालूमाती वीडियोस मुस्तकबिल में भी हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और वॉइस डेली के साथ जुड़े रहिए।